आज जो हम चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं बेसिकली चैप्टर एग्जेशन का ही रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे उसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर में एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज का रिवीजन। चलिए बाबा शुरू करते हैं एग्जम्पन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर सुनिए बाबा एग्जाम्शन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बींग द बैकबोन ऑफ द कंट्री इंडिया का बैकबोन है एग्रीकल्चर एनहेंस गवर्नमेंट बोलता है कि हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है जैसे भी हो पाए एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे ताकि जब एग्रीकल्चरिस्ट खुश है एग्रीकल्चरिस्ट खुश है तो बाबा एग्रीकल्चरिस्ट खुश है तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि चलो देश का जो बैकबोन है वो स्ट्रांग हो रहा है एंड हेंस गवर्नमेंट ने बोला कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जामेशन देंगे अब अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में जब आप सप्लाई करते हो ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर एक एग्रीकल्चर इज जो कल्टीवेशन करके सप्लाई करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे कोई भी आउटपुट टैक्स नहीं होता है अगर आउटपुट टैक्स नहीं है तो सर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं मतलब आउटपुट अगर एग्जाम है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा नहीं अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जब वो सेल करेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं मिल रहा है तो जो टैक्स इनपुट पे पे किया है मतलब इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे किया है उसको अपना कॉस्ट का पार्ट बना देगा अगर कॉस्ट का पार्ट हो गया तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस महंगा हो जाएगा एंडहेंस उसके कारण क्या होता है एग्रीकल्चर को सफर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने बोला ठीक है सर एक काम करते हैं अगर आईटीसी मिलने वाला ही नहीं है एग्रीकल्चर को क्योंकि उसका जनरली आउटवर्ड सप्लाई नहीं आउटवर्ड सप्लाई पे कोई भी जीएसटी नहीं होता है तो उसको इनपुट टैक्स रेट जब मिलेगा ही नहीं उसको हम एग्जाम्स दे देते हैं इसीलिए इसी थॉट इसी के साथ गवर्नमेंट ने बोला है कि एग्रीकल्चरिस्ट को बहुत सारी एग्जाम्स दी जाएंगी चलिए बाबा शुरू करते हैं ये समझ लीजिए एक एग्रीकल्चरिस्ट है इसने एक लैंड लिया लैंड लेके एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया तो सर इसको क्या क्या सर्विसेज पे एग्जेपन दी जाएंगे बोला गया है एंट्री नंबर 54 में सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट अगर प्लांट कल्टीवेशन के लिए पेड़ पौधा उगाने के लिए अगर कोई भी सर्विसेज लिया तो उसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगे वो एग्जेम रहेंगे सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ लैंड एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्सेस हॉर्सेस के लिए कोई एग्जाम्स नहीं दिया जाता है रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल मतलब सारे जो अदर लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल है समझ लीजिए ये जो मुर्गी वगैरह हो गए सर ये जो शिप्स वगैरह हो गए इनको ग्रो कर रहा है बेसिकली वो रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल कर रहा है ठीक है सर अब यहाँ क्या बोला गया है ये जो पशुपालन वगैरह होता है ये सर पॉइंट क्लियर है सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल किस लिए कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहा है सर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहा है फॉर फूड फाइबर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल अगर वो कर रहा है फॉर फूड फॉर फाइबर फॉर फ्यल रॉ मेटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उसकी जो सर्विसेज रहेंगी वो कौन सी कौन सी सर्विसेज एग्जाम रहेंगी अगर बाई वे ऑफ तो सर सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट और इरिंग ऑफ ऑल लाइफ हॉम एनिमल बाई वे ऑफ वॉट बाई वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ agricultural प्रोड्यूस जो भी आप agricultural फील्ड में agricultural एक्टिविटीज करते हो ठीक है सर इंक्लूडिंग cultivation, हार्वेस्टिंग threshing, प्लांट protection टेस्टिंग फॉर एन example, मैंने अपने agricultural फील्ड में जो पेड़ लगे हुए हैं उनके लिए उनको लगाने से पहले सॉइल टेस्टिंग करवाया तो जो, जो तो जो सॉइल टेस्टिंग का एजेंसी होगा वो मेरे से जो भी अमाउंट चार्ज करेगा उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा समझ लीजिए पेड़ वगैरह उगने के बाद मैंने क्या किया एक फ्यूमिगेशन वाले को बुलाया और ऑयल Uh, ये जो फ्यूमिगेशन होता है जो स्मोक छोड़ते हैं ताकि इंसेक्टिसाइड uh, uh, वगैरह मर जाए जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाए फील्ड में तो उसको बोलते हैं प्लांट प्लांट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगर के लिए किसी को बुलाया तो मैं इसे जो भी चार्जेस लेगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा यही बोला गया है यहाँ पे कि सर अगर सर्विसेज इन रिलेशन टू डायरेक्टली इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट या रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल है तो वो एक्जाम रहती है अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोड्यूस ऑफ एग्री जब एग्रीकल्चर करना है पहले तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग रिलेटेड जो भी सर्विसेज लूंगा वो एग्जेम रहेंगी ठीक है सर सेकेंडली अब ये जो एग्रीकल्चर करना है तो मेरे को लेना पड़ेगा एक ट्रैक्टर सर अगर मैंने कोई एग्रीकल्चर मशीन लिया या समझ लीजिए मेरे को तो लैंड चाहिए मेरे पास लैंड ही नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए तो अगर कोई मेरे को लैंड रेंट आउट कर रहा है तो वो भी मेरे से जीएसटी चार्ज नहीं करेगा हर तरह से एग्रीकल्चर को फायदा करने की कोशिश की गई है यहां पे फिर गवर्नमेंट बोलता है समझ लीजिए आपको लेबरर्स चाहिए जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड में काम करें तो अगर आप किससे लेबरर्स लेते हो जनरली अगर आपको कोई लेबरर्स प्रोवाइड करता है तो जीएसटी चार्ज करता है लेकिन अगर वो फार्म लेबर्स है तो उसके लिए जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एग्जेपेड फ्रॉम जीएसटी अगर आपको मशीन चाहिए ट्रैक्टर वगैरह उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा थर्डली मैंने ये लैंड लिया लैंड रिलेटेड लैंड 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 रिलेटेड अगर मैंने रेंटिंग ऑफ किसी ने मेरे को रेंट पे दिया है तो वो भी मेरे से जीएसटी चार्ज नहीं करेगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है अब सुनिए मैंने लैंड लिया मैंने ट्रैक्टर वगैरह लिया फार्म लेबर लिया कल्टीवेशन किया कल्टीवेशन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हुए उस पर कोई जीएसटी नहीं याद रखिएगा हमेशा एग्जाम में कि सर पहले आप गए आपको एग्रीकल्चर करना था आपने किससे लैंड ली ठीक है लैंड के लिए जो भी चार्जेस लेगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा सेकेंडली आपने ट्रैक्टर रेंट पे लिया ट्रैक्टर पे भी जीएसटी नहीं आएगा जो रेंट वगैरह चार्ज किया जाएगा फार्म लेबर हायर किए फार्म लेबरर्स के लिए जो भी सप्लाई कर रहा है आपको फार्म लेबर वो भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा सर मैंने कल्टिवेशन करने के लिए बहुत सारे सर्विसेज लिए कल्टीवेशन रिलेटेड जो भी सर्विसेज होगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा ठीक है सर एक बार मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तैयार हो गया उसके बाद क्या होता है

कूलिंग बल्क पैकेजिंग ये सारे किए जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड पे अगर अगर आप इन रिलेटेड कोई भी सर्विसेज किसी से ले रहे हो तो वो डायरेक्टली इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर हो जाता है और उस पर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि ये सारी सर्विसेज अगर आप ले रहे हो तो इनके कारण अगर या ध्यान रखिएगा एक चीज टोमेटो का कैचअप नहीं बन जाना चाहिए टोमेटो शुड रिमेन टोमेटो टोमेटो का क्लीनिंग करवाया टोमेटो का समझ लीजिए एप्पल वगैरह तुड़वाए एप्पल का वैक्सिंग वगैरह करा दिया कूलिंग वगैरह करा दिया आपल से आपकी जूस नहीं बन जाना चाहिए बस इतना ही बोल रहे हैं ये सारे एक्टिविटीज अगर आप किससे कराओगे तो जीएसटी नहीं चार्ज की जाएगी लेकिन ध्यान रखिएगा डू नॉट चेंज द कैरेक्टरिस्टिक बट मेक्स इट मार्केटेबल फॉर अगर बना रही है ये activities, तो उन activities related जो भी services होगा उस GST नहीं आएगा। लेकिन समझ लीजिए आपने किसी को बोला ये टोमेटो का कैचअप निकाल दो अरे वो टोमेटो का अगर कैचअप निकाल देगा तो जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं रहा उस पर जीएसटी आएगा ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसको बोलते हैं अगर सर्विसेज ली गई हैं अगर सर्विसेज ली गई हैं इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो एग्जाम अगर सर्विसेज के कारण एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन एग्रीकल्चर बन गया तो बेटा वो सर्विस के ऊपर जीएसटी आएगा तो सर क्या क्या सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज एग्री क्या क्या आइटम को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं अरे एप्पल समझ लीजिए एप्पल प्लग किया उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करवाया सर वैक्सिंग वगैरह कराया तो उस उसपे जीएसटी नहीं आएगा अगर किससे करवाया वो आपको बिल देगा वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा लेकिन समझ ले एप्पल से आप जूस ही बनवा लिया अरे दिस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो जो प्रोसेस अंडरटेक किया जाएगा उसके लिए जो भी चार्जेस लिया जाएगा उस पर जीएसटी आएगा ध्यान रखिएगा एप्पल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है आपकी जूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है पोटेटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पोटेटो चिप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है टोमेटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कैचअप इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉफी बीन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेस बीन और पाउडर इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है सर चाय की पत्तियों को अगर आपने चाय के दानों में कन्वर्ट कर दिया तो ये बोल रहे हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है सर शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जागरी प्रोसेस्ड होता है जागरी इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सर होल पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है सर डी पल्सेस जब दाल को दो टुकड़ों में काट जब पल्सेस uh, वगैरह को दो, दो टुकड़ों में बांट के दाल वगैरह बना दिया जाता है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है सर प्रोसेस स्पाइसेस प्रोसेस ड्राई फ्रूट बिस्किट ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर कोई भी सर्विसेज लिए गए जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही रहता है एप्पल एप्पल ही रहता है तो वो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज है उस उसपे जीएसटी नहीं आएगा लेकिन अगर एप्पल का ही बन गया तो बाबा वो एग्रीकल्चर सर्विसेज नहीं है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस नहीं है उस पर जीएसटी आएगा क्योंकि उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन एग्रीकल्चर बन गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहा तो उस सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है ठीक है सर पॉइंट क्लियर है अब सुनिए मैंने मैंने पहले फार्म में ग्रो वगैरह किया uh, जो भी ग्रो करना था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसके बाद ये सारे प्रोसेस किए शॉर्टिंग ग्रेडिंग वगैरह कर लिया अब क्या किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डाल दिया वेयर हाउस में जब भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वेयर हाउस में डालोगे ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मैंने डाल दिया एक गोडाउन में एक बंदा गोडाउन रन कर रहा था उसके गोडाउन में मैंने अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखा है ये बोल रहे हैं अगर आप वेयरहाउसिंग करते हो मतलब अगर आप किसी के यहां रख रहे हो वेयर हाउस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और राइस पे कोई जीएसटी नहीं आता राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेकिन अगर कोई वेयरहाउसिंग ऑफ राइस भी कर रहा है तो वो भी आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा ठीक है सर अब ये जो वेयरहाउस होता है इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह स्टोर्ड है समझ लीजिए यहाँ जो बंदे ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह स्टोर करके रखे हैं ये जो ओनर ऑफ द वेर हाउस है ये फ्यूमिगेशन कराना चाहता है वो जहरीली गैस वगैरह डालना चाहता है ताकि जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है वो मर जाए तो सर अगर किसी को बुलाया किसी बंदे को बुलाया और उसने यहाँ पे इंसेक्टिसाइड वगैरह की सर्विसेज दी तो सर ये जो फ्यूमिगेशन की सर्विसेज है फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ताकि कीटाणु वगैरह मर जाए तो फ्यूमिगेशन सर्विस में भी जीएसटी नहीं आएगा लेकिन फ्यूमिगेशन समझ लीजिए मैंने अपने ऑफिस में कराया बाबा मेरे ऑफिस में अगर कराया तो उस पर जीएसटी आएगा फ्यूमिगेशन अगर कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के गोडाउन में तो उसके लिए जीएसटी नहीं आता है, एग्रीकल्चर उसके बाद बोला गया है वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब ये सब जो आइटम्स होते हैं ये फॉरेस्ट में खुद ही उग जाते हैं क्या क्या आइटम्स है लाइक टैमरेन बाबा इमली वगैरह करी

करीलिफ इमली बैंबू हनी पत्ता वगैरह ठीक है सर पॉइंट क्लियर है अब सुनिए गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन में एंट्री इंसर्ट किया था जिसमें गवर्नमेंट ने बोला इन सब आइटम पे इन सब आइटम का अगर वेयर हाउसिंग हो रहा है तो भी जीएसटी नहीं आएगा ध्यान रखिएगा एक बात इन सब आइटम में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी डाला है नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी है फॉर एन प्रोड्यूस है फ्रूट्स नट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेजिटेबल एग्रीकल्चर स्पाइसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोपरा माइट नॉट बी एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोकोनट को ड्राई करके को आ, प्रोसेस वगैरह करके कोपरा बनाया गया तो सर उसके केस में आ, अगर वेयरहाउसिंग है तो वो भी एग्जेप्टेड है शुगर केन जैगरी तो नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है लेकिन उसके वेयरहाउसिंग पे भी जीएसटी नहीं आएगा इंडिगो अनमेनुफैक्चर टोबैको बीटल लीवस जो पान के पत्ते वगैरह होते हैं कॉफी एंड टी उनके वेयरहाउसिंग पे भी जीएसटी नहीं आएगा ठीक है सर ध्यान रखिएगा अब सुनिए मेरा मैंने क्या किया पहले फसल वगैरह उगाई फसल वगैरह की कटिंग वगैरह की कटिंग रिलेटेड सर्विसेज ली पैकिंग uh, वगैरह किया अब उसको मैंने क्या किया स्टोर कर दिया एक वेयर हाउस में वेयर हाउस में स्टोर करने के बाद क्या वेयर हाउस में स्टोर करके रखोगे नहीं अब आ जाएंगे वो बंदे जो बोलेंगे कोई बात नहीं एग्रीकल्चर हम आपके बिहार में आपके गोडाउन में जो भी आइटम्स है उसको सेल कर देंगे यहां रोल आता है सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और कमीशन एजेंट अब ये क्या करेंगे आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फर्दर सेल कर देंगे और इनकी सर्विसेज सर्विसेज फॉर परचेज और सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उस पर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा वो एग्रीकल्चर से खरीदेंगे फर्दर बेचेंगे और अपना जो सर्विस है उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे वो कमीशन तो लेंगे उनकी कमीशन पे वो कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे ठीक है सर पॉइंट क्लियर है अब सुनिए आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिक गया अब क्या होगा लोडिंग होगा तो सर यहां बोला गया है लोडिंग अनलोडिंग सुनिए लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और राइस भी एग्जेम है लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और राइस दोनों एग्जेम है नेक्स्ट उसके बाद आ जाइए सुनिए मेरा बात अब यहां लोडिंग अनलोडिंग कर दिया अब ये ट्रक में गुड्स लोड हो गए यस सर लोडिंग हो गया उसके बाद जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और राइस बाई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और रेल और वेसल वो भी एग्जाम है पूरी चेन को एग्जाम कर दिया है पहले आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाया उस रिलेटेड सर्विसेस को एग्जाम किया उसके बाद जो भी प्रोसेस किए एट योर एग्रीकल्चर फार्म उस पर भी कोई जीएसटी नहीं आया क्योंकि वह एग्रीकल्चर प्रोसेस था उसके बाद वेयर हाउसिंग किया उस रिलेटेड सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं आया उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी ने आपके प्रोडक्ट्स को बेचा उन्होंने जो कमीशन चार्ज किया उस भी जीएसटी नहीं आया उसके बाद लोडिंग हुआ लोडिंग अनलोडिंग वगैरह पे भी जो अमाउंट चार्ज किया गया उस पर कोई जीएसटी नहीं आया उसके बाद इसको फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और, और राइट अगर जी से किया है या रेल से किया है या वेसल से किया है उस पर जीएसटी नहीं आएगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद कुछ सर्कुलर्स देख लीजिए ऊपर मिलिंग ऑफ पैडी इन टू राइस जब पैडी को राइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैडी इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो जो मिलिंग वाला सर्विस देता है वो मिल वगैरह जो पैडी को राइस में कन्वर्ट करते हैं उनकी सर्विस में जीएसटी आएगा या नहीं आएगा अरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहता है तो एक्ज होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया तो कोई एग्जाम्स नहीं है

कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाएगा ये सारे नॉलेजेस जब मैं नॉलेज देता हूं तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूं उन चार्जेस पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा ठीक है एंट्री नंबर 55 ए बोलता है सर्विसेज बाय इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेस अगर लाइफ स्टॉक का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया एक से दो लाइफ स्टॉक हो गए मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके लाइफ स्टॉक को बढ़ाया जाता है तो उसके लिए बोला गया है कि सर जो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं वो जो भी चार्जेस लेंगे उसमें जीएसटी नहीं आएगा ठीक है सर उसके बाद बोला गया सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कूलिंग राइपनिंग वैक्सिंग रिटेल पैकिंग लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल विच डू नॉट ऑल्टर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक अगर आपल, आपल ही रहता है इन सारे प्रोसेसेस के कारण कूलिंग राइपनिंग वैक्सिंग रिटेल पैकिंग लेबलिंग ऑफ एंड वेजिटेबल अगर किया जा रहा है तो गवर्नमेंट ने बोला है अगर समझ लीजिए एप्पल 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 का वैक्सिंग वगैरह किया गया आपल तो सर्विसनसीडी नेशनल कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बेसिकली अगर एनसीसीडी क्या करता है एनसीसीडी नॉलेज देता है किसको फार्मर्स को कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैसे अपने एप्पल को ले जा सकते हैं कैसे अपने वेजिटेबल्स को ले जा सकते हैं कोल्ड चेन होता है तो सर उन नॉलेज डिसेमिनेशन नॉलेज देने के लिए जो एनसीसीडी चार्जेस लेगा उसके लिए भी उस पर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा उसके बाद बोला सर्विसेज बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन एरेक्शन कमिश्निंग इंस्टॉलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर यूज समझ लीजिए यहां पे एक रोड है हम बात कर रहे हैं एग्जाम में हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड ठीक है समझ लीजिए यहां से रोड जा रहा है रोड से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है ठीक है अब यहां एक इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है यहां एक फार्मर है फार्मर बोल रहा है सर मेरे को मेरे ट्यूबवेल के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो सर वो गया जो यहां तक, ताकि मेरे तक पहुंच जाए, और उसको, उसके मैं पानी वगैरह सप्लाई करूंगा तो सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी आपकी स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है जो एक्सटेंशन करेगी तो उनको पोल वगैरह करेगी एक्स्ट्रा वायर वगैरह लगेगा तो वो चार्ज किया जाता है उसके लिए चार्जेस लिए जाते हैं एग्रीकल्चर से उन चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा वही बोला गया है सर्विसेज बाय वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिक्शन कमिश्निंग इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चरल यूज उसके लिए जो भी चार्जेस लिए जाएंगे उस जीएसटी नहीं आएगा ठीक है सर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल सर ये रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल क्या होता है मैंने यहां पे एग्जाम्पल दिया है आ, फिश आ, ब्रीडिंग ऑफ फिश रियरिंग ऑफ सर कुछीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री ये सबको हम कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स के एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे एंट्री नंबर 55 कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्सेस इज आल्सो एग्जेम्प्टेड मतलब अगर कोई मैं एज ए जॉब वर्कर अगर ये सारे वर्क करके किसी एग्रीकल्चर को दे रहा हूं तो मेरी सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि इट इज वर्क सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल ये सर पॉइंट क्लियर है बहुत ध्यान रख के जाइएगा छोटा सा एक पॉइंट पूछ सकते हैं एग्जाम में डन सर यहां मेरा एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज खत्म होता है ट वेरी एग्रेडेड बट हो सकता है एक छोटा सा पॉइंट पूछ ले इसलिए ध्यान रखिएगा डन सर पॉइंट क्लियर है चले आगे जल्दी जल्दी हेड सब दीजिए यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं